वेलकम बैक टू स्टडी 1024 आयुष में। यहाँ पे हम लोग ने देख लिया था कि एक्सरसाइज 1.1 का पहला हम लोग ने पूरा सब एक्सरसाइज 1.1 हम लोग ने कर लिया था। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा एक्सरसाइज 1.2 की तरफ बढ़ेंगे। चलिए हम लोग दूसरा एक्सरसाइज 1.2 करते हैं। इसी के साथ 1.2 हम लोग भी यहाँ पे हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे आ चुके हैं। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे कि टू एक्सरसाइज लिखा है वेरीफाई द प्रॉपर्टी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। इसके आधार पे हम लोग को ये क्वेश्चन ए की जगह उतारना है, बी की जगह उतारना है, सी की जगह उतारना है, ये सब की जगह उतार के इसको हमको सॉल्व करना है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन उतार लिया है, अब हम इसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम लोग उतारे क्वेश्चन को सॉल्व करने, यहाँ पे आप लोग देख सकते होंगे। चलिए हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं इसी आधार पे। तो ए की जगह -7/3 लिखेंगे हम लोग, बी की जगह ब्रैकेट मल्टीप्लाई यहाँ रहेगा, बी की जगह 5/-4 मल्टीप्लाई सी की जगह 9/8 यहाँ पे इजिकल टू होगा ब्रैकेट का ब्रैकेट, ए की जगह -7/3 मल्टीप्लाई बी की जगह 5/-4 फिर ब्रैकेट मल्टीप्लाई सी की जगह 9/8। यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके इस आधार पे उतार लिया है। फिर उसके बाद लोग देखते हैं कटता है तो कटते हैं, नहीं कटेगा तो नहीं कटेगा। अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 9 है, तो इसको ऐसे ऐसे नहीं काटेंगे, इजिक्वल टू अगर इसी में काटना है, अगर इसी की इजिक्वल टू के इसी में काटना है, इसका इधर ही काटना है, इसका इधर ही काटना है। चलिए हम लोग काटते हैं 3 3 3 3 3 9 3 9 यहाँ पे हम लोग का हो गया, फिर 3 3 3 3 9 ये माइनस से ये माइनस गया, ये माइनस से ये माइनस गया। फिर यहाँ पे हम लोग उतार देते हैं 7 5 = 35 मल्टीप्लाई बाई 3 8 4 = 32 माइनस से माइनस कट गया है, माइनस वो लगेगा नहीं, इजिकल टू यहाँ भी 8 4 = 32। तो सॉल्व करके हम लोग को बताना होगा कि एल एच एस इजिकल टू आर एच एस ये सेम है कि नहीं, को वेरीफाई करना है। ये दोनों इक्वल टू दोनों सेम है। एल एच एस 35 × 3 हो गया, या माइनस तो लगेगा नहीं क्योंकि मैं पहले बता दूँ माइनस तो कट चुका है। फिर यहाँ पे हम लोग यहाँ चलेंगे, सो करते हैं देख लीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर, यहाँ पे हम लोग देखिए हम लोग का आंसर आ चुका है 105 × 32 = 105 × तो लगेगा नहीं क्योंकि हम लोग उसे सॉल्व कर लिया है। यहाँ पे ये हम लोग का सेम है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस इज सेम। अगर यहाँ पे नहीं सेम होता ये दोनों, तो यहाँ पे हम लोग बीच में क्रॉस कर देते हैं और यहाँ इज के बाद नॉट लग जाता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर ये पे आ चुका है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आंसर आ चुका है, वेरीफाई करती है हम लोग इसी की तरह। यहाँ भी देखिए थर्ड वाला भी इसी की तरह मान धरना है इस पर और सबको लगा देना है जैसे मैंने किया था। आप लोग को वो समझ आ गया होगा। इसी के साथ आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, फिर फोर्थ हम लोग क्वेश्चन करते हैं। आज हम क्वेश्चन सिर्फ 8 तक करेंगे, 8 तक करने के बाद कल हम करेंगे 9 10 11 12। इसी के साथ हम लोग का पहला चैप्टर का दूसरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा कल तक। यहाँ तक हम लोग 8 तक कर लेते हैं। चलिए हम लोग चौथा क्वेश्चन लगाते हैं ना। यहाँ पे हम लोग चौथा क्वेश्चन पहले समझ लें। द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर्स इज -8/9 इफ वन ऑफ देम इज 10/3 फाइंड द अदर। देखिए प्रोडक्ट ऑफ दो नंबर है, प्रोडक्ट का हमेशा अगर पूछे प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, हमेशा प्रोडक्ट का मतलब रहेगा तो मल्टीप्लाई करना। यहाँ पे चलिए हम लोग क्वेश्चन आप लोग समझा दिया हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, हम लोग एक्स का मान धरेंगे। ठीक है चलिए चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को लगाते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन उतार लिया है, चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग -8/9 को ऐसे ही उतार लेंगे, मल्टीप्लाई एक्स, मैंने बताया था कि एक्स लेंगे, फिर उसके बाद एक्स इजिक्वल टू 10/3 ऐसे हम लोग इसको यहाँ पर लिख उतार दिए। फिर x का मल्टीप्लाई करें, -8x/9 इज इक्वल टू 10/3 फिर उसके बाद x यही रहेगा, ये -8/3 का यहाँ आ जाएगा, फिर 10/9
एक्स इजल टू एट हंड्रेड अस्सी की 24 माइनस 24 टेन 90 यहाँ पे हम लोग 2 1 2 2 2 4 2 4 8 5 10 2 6 2 6 12 2 6 12 यहाँ हम लोग 3 से काटेंगे ओके 3 से काटेंगे हम लोग 2 1 2 2 2 2 2 4 ओ भाई ये अभी आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग का 3 से कटेगा ये दोनों तो डायरेक्ट हम लोग 3 से काट देते हैं 3 4 12 3 1 3 3 5 15 = x = -4/15 इज आंसर। ये हम लोग का आंसर है, देख लीजिए आप लोग आंसर, यही हम लोग का आंसर है, देख सकते हैं आप लोग ये हम लोग का आंसर है। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का पांचवा क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, डिवाइड द सम ऑफ 2/9 and 4/7 बाई देयर डिफरेंस। पहले देखिए हम लोग सम करेंगे माइनस करेंगे फिर उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहले प्लस करेंगे माइनस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे इसी नंबर को, पहले दोनों को प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे फिर डिवाइड करेंगे। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन को उतार लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन उतार लिया, यहाँ पे हम लोग जा रहे करने, तो मैंने बताया था पहले हम लोग सम करेंगे, सम यहाँ पे लोग सम 2/9 नंबर उतार लेते हैं प्लस सम 4/7 9 7 63 का एलसीएम 9 7 7 7 3 14 7 9 9 4 36। यहाँ पे हम लोगों ने देख सकते हैं यहाँ पे हम लोगों ने इस तरीके से उतार लिया है। इक्वल टू करेंगे 36 को प्लस कर दें 50 ये आ गया सम का हम लोग का आ गया 50 होगा सम का हम लोग का आंसर आ चुका है। अब द सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पे हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे इसी नंबर को सब्सट्रैक्ट करेंगे 2/9 - 4/7 63 फिर उसके बाद 14 - 36 36 14 गया 20 यहाँ पे हम लोग का 22 आ जाएगा -22 63 ठीक है। यहाँ पे हम लोग का देख लिए 22 - -22 63 आ चुका है, यहाँ पे माइनस का भी आंसर आ चुका है। अब द डिवाइड करेंगे डिवाइड यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं डिवाइड करने, ये हम लोग का आखिरी स्टेप है 50/63 प्लस को यहाँ करेंगे डिवाइड -22/63 डिवाइड का उल्टा हो जाएगा 63 रेसिप्रोकल हो जाएगा मल्टीप्लाई में 63 - 22 यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 66 63 गया -1 है 2 1 2 2 1 2 2 4 2 10 तो यहाँ पे हम लोग का आंसर आ गया है 25 - 25 - 25/11 यहाँ पे भाई साहब हम लोग का आंसर आ चुका है। देख सकते हैं हम लोग का -25 यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं -25/11 हम लोग का आंसर आया है। ये हम लोग ने 5th क्वेश्चन भी लगा लिया है, ये हम लोग का करेक्ट है। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग 6th क्वेश्चन तक सिर्फ पास करेंगे, मैंने बोला था 8th क्वेश्चन तक, पर 8th क्वेश्चन तक नहीं करेंगे क्योंकि देख लीजिए आप 8th क्वेश्चन ये भी इसी की तरह आप लोग लगा लेंगे, मैं इसलिए 8th क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ क्योंकि आप लोग को भी एक लगाने का मिलेगा, एक मिलेगा इसी तरह, देख लीजिए यही क्वेश्चन है ठीक है, आपको मिलेगा लगाने का मौका मिलेगा। ये सब 8th क्वेश्चन आप लगाइएगा और 7th क्वेश्चन भी दोनों आप लोग को आता होगा, आई होप आता होगा, कमेंट कीजिएगा लगा के आंसर बताइएगा अपना ना। यहाँ पे हम लोग 6th क्वेश्चन को समझ लेते हैं। व्हाट मस्ट बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम -9/14 टू गेट 11/18 व्हाट मस्ट बी माइनस करेंगे तो 2/8 इतना आएगा, क्या सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हम इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो पता चल जाएगा कि क्या माइनस करेंगे तो ये दोनों आएगा आंसर। चलिए यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन उतार लेते हैं और सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लोग ने क्वेश्चन उतार दिया है, हमने सॉल्व करेंगे।
चलिए यहाँ पे हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। -9/14 -11/18, यहाँ पे हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। आप भी एलसीएम ले, यहाँ पे हम लोग का एलसीएम का आंसर आ जाएगा 126। यहाँ पे 126 एलसीएम आ जाएगा। 14 इंटरवल में कितनी बार में 126 आता है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे। 14 मतलब 3 3 9 9 के टेबल 9 9 9 के टेबल 9 के बार में 49 126 आता है, तो 9 का 9 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 81 आंसर आ जाएगा। माइनस का माइनस रहेगा, यहाँ पे माइनस का माइनस रहेगा 18। यहाँ पे हम लोग फिर 18 कितने टेबल में आता है, 3 2 6 6 18 मतलब 7 77 77। यहाँ पे हम लोग का उतर चुका है, यहाँ पे हम लोग साइड 81 प्लस करेंगे 77 77 8 8 8 8 7 15 158। बड़े के आगे माइनस है तो माइनस लगाएंगे 126, ये 2 से कट रहा है। 2 7 14 2 7 14 2 9 18 2 4 2 6 16, यहाँ पे हम लोग का -79/63, यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है। आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा दे रहा हूँ आप लोग को, देखिए यहाँ पे हम लोग का आंसर आ चुका है -7 -79/63। देख लीजिए आप लोग एकदम आराम से देख लीजिए सॉल्यूशन, यही हम लोग का सॉल्यूशन है। देख लीजिए यहाँ पे हम लोग साइड में एलसीएम मिल चुका है। ये हम लोग का आखिरी क्वेश्चन था, अब कल मिलेंगे इसी के साथ 7 8 9 10 और 11 12, ये 7 क्वेश्चन इसे हम लोग करेंगे। आपको वीडियो अच्छा लगे, आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ आया तो फिर से रिपीट करके वीडियो को देख लीजिए, तो स्किप करके अब वीडियो आपको पूरी तरह से समझ आया होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर दीजिए। धन्यवाद।